हेलो फ्रेंड्स, मैं साधना। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं घर पर पनीर बनाने जा रही हूँ, तो बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। पनीर बनाने के लिए मैंने एक मोटी तली का भगोना ले लिया है ये, और इसमें मैंने 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध का पनीर बनाऊंगी मैं। पनीर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को बॉयल करेंगे तेज आँच पर। तो मैं यहाँ पर गैस ऑन करती हूँ और तेज आँच पर बॉयल करती हूँ दूध को। मैंने गैस ऑन कर दिया है, तेज आंच पर दूध को रख दिया है। जब तक दूध गर्म हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तब तक मैं इसके लिए लेमन काट लूंगी, क्योंकि लेमन के जूस से ही पनीर बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 लेमन का जूस निकाल लिया है, और जब मेरा दूध बॉयल हो जाएगा तो इसमें ये ऐड कर देंगे। और इसमें अभी मैं पानी भी ऐड करूंगी, क्योंकि डायरेक्ट इसको नहीं डाल सकते हैं दूध में। यहाँ पे मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है, लेमन नहीं है घर पे, तो आप साल्टरी या फिर विनेगर से भी दूध को फाड़ सकते हैं। दूध आप देख सकते हैं बॉयल होने लगा है, और अब मैं गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगी, और इसको अब चलाते रहना है और लेमन जूस को डालना है। इसको चलाते रहें, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है। ऐसे चलाते रहें इसको, एक ही साइड से ऐसे चलाते रहें हम। और इसको मैं थोड़ा और डालूंगी। आप देख रहे हैं, ये देखो थोड़ा थोड़ा सा ये पनीर बन रहा है। मैं इसको पूरा डाल दूंगी। आप इसको चलाते रहें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पनीर है वो सही से नहीं फट रहा है, तो आप लेमन 1/2 और डाल सकते हैं। इसको मैं ऐसे चलाती रहूंगी। दूध से ये छेना निकल आया है, पानी इसका अलग हो गया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूंगी कपड़ा बिछा के। ये दूध देखिए पूरे तरीके से फट गया है। अब मैं इसको निकाल लूंगी। यहाँ पे मैंने एक दूसरा अलग भगोना लिया है, उसमें एक कॉटन का कपड़ा बिछा दूंगी। आपके पास कॉटन का कपड़ा हो वो यूज कर लें, लेकिन जो भी आप कपड़ा यूज कर रहे हैं, इसका ध्यान दें कि उसका कलर है वो ना निकले पनीर में। तो आप यहाँ पे किसी का दुपट्टा, व्हाइट कलर का दुपट्टा हो, आप वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये छेना निकला है इसको डाल रही हूँ। ऐसे डाल दिया है। और इसको मैं अच्छे से बंद करके, कपड़े का मुंह बंद करके और निकाल लूंगी। देखिए देखिए, ये पनीर का पानी अलग हो गया है और छेना ये मैंने इसको कपड़े में निकाल लिया है। इसको मैं घुमा के अच्छे से पूरा पानी निकाल दूंगी, और दूसरे भगोने में इसको ऐसे रख लूंगी। इसमें लेमन का जो लेमन जूस इसमें जो डाला था मैंने, तो इसमें थोड़ा सा पनीर में खट्टापन आ गया होगा, इसलिए मैं इसको पानी से धुल लूंगी, ताकि इसका जो खट्टापन है वो निकल जाएगा। हम इसको पनीर को उठा के ऐसे डिप करूंगी पानी में, ऐसे डिप करना है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो खटाई रह जाती है वो सारी निकल जाती है। यहाँ पे इसकी सारी खटाई निकल गई है, और टाइट इसको घुमा देंगे। और इसको मैं ज्यादा फैलाऊंगी नहीं, इतना ही मोटा रखना है। अब इसको, पनीर को मैंने एक प्लेट में रख लिया है, और इसको कोई
भारी बर्तन से मुझे इसको दबाना है। तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे मैंने इसको एक चकला लिया है और इससे दबा दूंगी। इसको तेज दबाना है और आप इसके ऊपर पानी का भगोना भी रख सकते हैं जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए पनीर। इसको आप आधा घंटे के लिए ऐसा ही छोड़ दें, ये सेट हो जाएगा। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लेट में निकल जाएगा और पनीर अच्छे से सेट हो जाएगी आधा घंटे में। अब मैंने पनीर को सेट होने के लिए रख दिया है, इसको आधा घंटे बाद में देखती हूँ ये कैसा बनता है। आधा घंटा हो चुका है और मेरी पनीर अब सेट हो चुकी है, इसको देखते हैं। देखिए ये पनीर सेट हो गई है। और बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनी है। इसको मैं नाइफ से कट करके बताती हूँ। नाइफ से कट करती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनी है, बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनी है। देखिए देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आप इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। इसको स्टोर करने के लिए इसको स्टोर हम इसमें कर लेंगे। बाउल, एक बाउल लिया है, इसमें पनीर रख देंगे और इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इसलिए डाल रहे हैं, अगर आप इसमें पानी नहीं डालेंगे तो ये बहुत, जो पनीर हमारी ये सॉफ्ट है वो बहुत सख्त हो जाएगी फ्रिज में रखने से। पानी डाल के इसमें रख देंगे तो ये सॉफ्ट बनी रहेगी। दोस्तों अगर मेरी पनीर की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।